तस्लीम है और मैं जामिया स्टूडेंट हूँ और मैं आप लोग तो सब कुछ चीज़ों से अवेयर है सी ए और एनपीआर और एनआरसी के बारे में, लेकिन मैं आपको चीज़ों को बताना चाहूँगा कि मैं ही हूँ सोशल मीडिया जामिया वर्ल्ड चलाता हूँ। और ख़ास तौर पे आपको मैं बताऊँ कि हम लोग 10 दिसंबर से ही मैं 2400 घंटा प्रोटेस्ट को कवर करता हूँ और मैं खुद सत्याग्रह भूमि चंपारण से हूँ, तो जहाँ पर अभी भी वहाँ पर पूरा चंपारण में 6 जगह प्रोटेस्ट हो रहा है और वहाँ से सत्याग्रह गांधी की सत्याग्रह चल रहा है। और मैं खुद अभी 20 रोज पहले बिहार से होकर आ रहा हूँ और हम लोग ट्रेन से ही गया था, मैं घर से ना जाकर पहले मैं प्रोटेस्ट ही उतरा, प्रोटेस्ट भी चंपारण की दो चंपारण है जिसमें 3 जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, उसे मैं पूरा कवर किया और उसके बाद पूरा मतलब बिहार को कवर करके आया हूँ। जहाँ तक पटना में कन्हैया की रैली हुआ उसको भी मैंने कवर किया। मैं आपको बताऊं ये छोटी ननी मासूम बच्ची है, इसी तरह के परवरिश, इसी तरह का मतलब कि मुआवजा खास तौर पर पूरा बिहार में देखी जा रही है और इसी तरह के मुझे फख्र है हमारी माँ बहनों की इस तरह से परवरिश कर रही है और यकीनन हमारी कौम की नस्लें पूरी तरह से बदल रही है और हमें पूरी तरह से और भी एजुकेशन लेना है। खासतौर मैं बताऊँ कि जिस तरह से 10 दिसंबर से पूरा मैंने प्रोटेस्ट कवर करना शुरू किया, खासतौर पर मैं आपको बताऊँ मैं पढ़ता भी हूँ, खासतौर पर इंटरनेशनल रिलेशन का भी स्टूडेंट हूँ, इवरिंग भी कोर्स करता हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ 10 तारीख से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, पूरा हॉस्टल में प्रोटेस्ट शुरू होते हुआ। खासतौर पर मैं आपको बताऊँ जिस तरह से अभी CAB था उस दौरान से राज्यसभा में था, उसके बाद लोकसभा में गया था, उसी दौरान पूरा जामिया स्टूडेंट प्रोटेस्ट और मीटिंग कर रहे थे और वहाँ पर जिस तरह से वोटिंग हो रहा था वो हम लोग देख रहे थे। जैसे ही मतलब कि लोकसभा में पास हुआ हमने पूरा हॉस्टल में रैली निकाला, उसमें खासतौर पर गर्ल्स स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया। और आपके मैं बताऊं वहां पर बारिश हो रहा था, बारिश में पूरी भीग कर जामिया गर्ल्स स्टूडेंट ने और बॉयज स्टूडेंट प्रोटेस्ट को किया। और मैं आपको बताऊं 13 तारीख को भी पुलिस ने बर्बरियत किया था, उस दौरान मेरा भी 13 तारीख को भी एग्जाम था, 2 बजे से मेरा एग्जाम था, जुमा के दिन था और मैं 2 बजे तक मैं प्रोटेस्ट में था और 2:10 तक मैं प्रोटेस्ट में कवर किया, तुरंत उसके बाद जाकर मैं एग्जाम दिया और मेरा इस दर गोला मतलब कि आंसू गोला चल रहा था, तो उधर मैं सुन रहा था, मेरा दिल बेचैन हो रहा था कि मैं कब जाऊं फिर से प्रोटेस्ट कवर करूं, मैंने कवर किया। और मैं एक और बता दूं उसके बाद 3 से 15 तारीख को मेरा भी एग्जाम था, उसी तरह मतलब 2 बजे से पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, तो मतलब कि 2 बजे से मैं एग्जाम था, मैं भी उसी तरह 2:15 तक मैं प्रोटेस्ट में था। और जिस तरह से मैं गया, खासतौर पर होता है एग्जाम 3 घंटा का होता है, मैं 4 ही घंटा में मैं 2 ही घंटा में एग्जाम को कंप्लीट किया और पूरा फिर से प्रोटेस्ट में आया, उसको कवर किया। ओवरऑल जिस तरह से मैं आपको बताऊँ पूरा आप मैं आंखों देखी हाल आपको बताऊँ किस तरह से पुलिस ने बर्बरियत किया था 15 दिसंबर को और 13 तारीख को भी पूरी तरह से बर्बरियत किया था। और जिस तरह से ईमान साहब के मतलब कि उनकी बेहरमती किया, मैं खुद गवाह हूँ और पुलिस मस्जिद में वहाँ पर घुस रही है और मैं यहाँ लाइव कर रहा था, मुझे मालूम है जब जिस दौरान स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जा रहा तो मैंने कहा लाइब्रेरी मत जाओ क्योंकि मैं पुलिस को जानता हूँ, क्योंकि मैं मीडिया से भी हूँ और मीडिया कवर करता हूँ, यहाँ तक जेनू का भी मैं कवर किया था, वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैं जानता हूँ पुलिस की रवैया क्या होती है। तो ओवरऑल जिस तरह से इमाम साहब के साथ बहरमुती किया, मैं वहाँ गवाह हूँ, मैंने देखा किस तरह से उनके साथ ब्रूटली बिहेव और जिस तरह से भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे थे, यहाँ तक BBC के जर्नलिस्ट का भी उन्होंने बदतमीजी के साथ उनके साथ पेश आया। तो जिस तरह से अभी आज ही का जो रिपोर्ट है दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम तो जामिया के स्टूडेंटों को बचाने गए थे लाइब्रेरी में, जबकि आप लोगों को एक कार्टून चल रहा है इरफान जी का, तो आप देखेंगे जी कि अगर बचाने गई थी दिल्ली पुलिस स्टूडेंटों को जो बाहर से शो काल ने मतलब कि दिल्ली पुलिस से कहा कि बाहर से लोग अंदर घुस गए थे और बचाने गए थी जामिया स्टूडेंट को, तो उन्हें पूरी तरह से आंख क्यों फोड़ दिया, पैर क्यों तोड़ दिया, ये क्या है। ओवरऑल दिल्ली पुलिस पूरी तरह से बदनाम हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। तो जिस तरह से पूरी घटनाक्रम हुआ मैं खुद वहीं पर था और मैं यकीन मानिए जिस तरह से पुलिस से खास तौर पर जो टारगेट किया और असामाजिक तत्वों को साथ लेकर आई, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि पुलिस पूरी अपनी वर्दी में रहती है लेकिन कुछ वैसे गुंडों को भी लेकर आई थी पुलिस से जो कि उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। खासकर मोदी जी कहते हैं हम लोगों की कपड़ों से पहचाना जा सकता है, लेकिन हम उन्हें भी पहचान लेंगे जो कि असामाजिक तत्व थे और जामिया स्टूडेंट को मारे थे पीटे थे। तो ये घटना 15 दिसंबर की होगी। जिस तरह से मैं आपको बताऊँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, मैं भी वहाँ कवर करने गया था।
तो जिस तरह से वहाँ पर मीडिया वाले भी अलग अलग मीडिया समूह से आए थे और जामिया के एलुमनाई मीडिया भी थे, मैं वहाँ खुद कवर प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहा था, तो मीडिया वाले भी रोने लगे थे जिस तरह से वहाँ के जामिया स्टूडेंट ने अपनी आपबीती बताया, जिस तरह से उन्हें मारा गया पीटा गया था। और आपको बताएं, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे, क्या कहते हैं, यहाँ तक गर्ल्स स्टूडेंट को वॉशरूम तक मारा गया पीटा हो गया, आपने खुद वीडियो भी देखा, तो कैसा बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे। और हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, ख्वातीन बैठी हुई हैं, मैं आप लोगों को मौजूद कहता हूँ, पाक कहता हूँ कि आज यकीनन आप पाक हैं और पाक रहेंगे इंशाल्लाह। और खास तौर पर जिस तरह से गोदी मीडिया, ये आपको यकीनन यहाँ पर जितने सोशल मीडिया वाले लोग हैं यही आपके मीडिया वाले मीडिया है, न कि वो जो सो कॉल्ड वहाँ पर मीडिया वाले जो मेनस्ट्रीम मीडिया सो कॉल्ड गोदी मीडिया से और मोदी मीडिया बन चुका है। मैं आपको बताऊं, ये जो भी प्लाज्मा टाइम हो, मोदी इंडिया हो, मेरा खुद का जामिया वर्ल्ड हो, और आपको बताऊं यही आपका सोशल मीडिया है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो गांधी जी बहुत पढ़ते लिखते थे, कहीं भी मीटिंग जाते थे, कहीं भी सभा करते थे, तो वो लिखते पढ़ते थे, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात मैं आपको बताऊं, खास तौर पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, जो मीडिया इसी को यूज करके उसके पास मीडियम है टूल्स है, तो आप हमको न्यूज दिखाता है, तो आपके पास भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो मुझे आप लोग से अपील करना चाहूंगा, सबके पास मोबाइल है, आप लोग खुद अगर कोई पुलिस वाला आ रहा है या कोई असामाजिक तत्व आ रहे हैं, पूरा अपना मोबाइल खोल दीजिए, पूरा लाइव, पूरा मतलब कि सबसे हाथों में सबसे मजबूत कोई चीज है कलम और मोबाइल, कोई भी सामाजिक तत्व आ रहा है तुरंत लाइव कर दीजिए, पूरा दुनिया में फैल जाएगा। और मैं आपको बताऊं, मैं जामिया वर्ल्ड से जो लाइव करता हूं, मैं मोस्टली रिकॉर्ड नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करके बाद में डालने वाला मतलब पूरा स्टाइल मुझे पसंद नहीं है, मुझे डायरेक्ट लाइव दिखाना होगा। मैं आपको बताऊं 10 फरवरी के जो घटना घटा, जिस तरह से हमारे ख्वातीन और पाक दामन ख्वातीन को जिस तरह से ब्रूटली अटैक किया, उनके जो कि पाक दामन के तौर पर उनको उछाला गया, खासतौर पर उनके प्राइवेट पासपोर्ट दिल्ली पुलिस ने मारा, मैं खुद गवाह हूं, मैं खुद को कवर किया और मैं लाइव दिखा रहा था। और मैं आपको बताऊं, मैं यहां पर आता हूं लेकिन बहुत बच बचा कर आता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर 6 बार अटैक हो चुका है, 6 बार, खास तौर पर 10 फरवरी को मैं दिल्ली पुलिस के बस पर चढ़कर रिपोर्टिंग कर रहा था, उस दौरान किसी ने मुझे मारने की कोशिश किया, उसने बेल्ट निकाला मुझे मारने के लिए, लेकिन ऊपर वाला के दया मया था, हमारे पास जो भी चीज है मैंने अपना सेल्फ डिफेंस किया और मैं अपना ट्राइपॉड से सेल्फ डिफेंस किया, लेकिन उन लोगों ने उनसे उतार कर बहुत उसको सबक सिखाया कि आप किसी को इसी तरह नहीं मार सकते, मैं अपना काम कर रहा था। बहरहाल कहने का मतलब है कि हमें पूरी तरह से हमें सत्याग्रह के तहत हमें प्रोटेस्ट करना होगा। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बिहार से यहां पर आया और बहुत सारी अफवाहें गोदी मीडिया चला रही है, गोदी मीडिया को कोई वैल्यू नहीं है, खास तौर पे मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत फोन आ रहा है और गांव से फोन आ रहा है कि यार साइन बाग क्या हुआ, जामिया के क्या हुआ, प्रोटेस्ट क्या खत्म हो गया, तो मैंने कहा नहीं, मैंने खुद यहां कल आया था, परसों अभी आया था, तो लिंक यहां का मतलब जो मैं न्यूज यहां से किया था लिंक मैंने शेयर किया गांव में, तो अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहां लोगों ने देखा नहीं प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अफवाहों से दूर रहें। और मैं एक और चीज बता दूं, खास तौर पर गांव में कैसा प्रोटेस्ट हो रहा है, हम लोग आप लोग भी बहुत सारे गांव से होते हैं, गांव में इस्तमा होता है, जलसा होता है, उसी तरह लोग गांव से स्पेशली मतलब होता है गांव में चंदा कर करके ट्रैक्टर से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, जुलूस के शक्ल में जाते हैं। और मैं बताऊं, मेरे ही गांव से खुद दूसरी बार जुलूस जाने वाला है 24 मार्च को, और मैं इससे पहले भी गया था तो मैं उतरा था ही डायरेक्ट प्रोटेस्ट स्थल पर, वहीं पर कवर किया, रात को मैं गया। तो ओवरऑल कहने के मतलब है कि आप लोग जामिया या शाहीन बाग आप प्रोटेस्ट के पावर मतलब पावर हो, अगर आप उठ जाओगे तो समझिए पूरा हिंदुस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो उठ जाएगा, आप लोग पर ही सबकी निगाह है। तो कहने का मतलब मैं बहुत कम बोलता हूँ, क्योंकि मुझे स्पेशली मुझे जर्नलिज्म ही करना है, लेकिन मैं जो देखता हूँ यकीनन मुझे कहना है और हमेशा कहना है, खासतौर पर ये बच्चे लोग जो यकीनन जो बच्ची ने कितना अच्छी क्रिएटिविटी के साथ अपने आप को पेश किया, इससे पहले कोई इतना मतलब कि बच्चे लोग खासतौर पर छोटे मासूम बच्चे बुजुर्ग ख्वातीन वो इतना मतलब अपने चीज को एक्सप्रेस नहीं करती थी, नजम जो था दिलों में रखती थी, लेकिन ये प्रोटेस्ट
ने यकीनन हम सबको एक शायर बना दिया, कवि बना दिया, एक आर्टिस्ट बना दिया, जो कि आप लोग यहाँ पर पेश कर रहे हैं। यकीनन मुझे देखकर कुछ फख्र हो रहा है कि छोटे से मासूम बच्चे से लेके हर तबका के लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि मैं आपसे एक बार और अपील करूँगा कि आप अपना मोबाइल हमेशा, कोई भी असामाजिक तत्व आए तो आप प्लीज़ करके लाइव तुरंत हो जाए, क्योंकि लाइव से डायरेक्ट जाएगा, पूरा दुनिया आपको देखेगा डायरेक्ट, तो आपके साथ हमेशा लोग जुड़े रहेंगे। और यकीनन हमें कहा जाता है कि कोरोना के बहुत सारे खौफ है, लेकिन हमें इंशाल्लाह किस तरह का खौफ नहीं, हमें अल्लाह के खौफ है। और हम हराम माल नहीं खाते हैं, चमगादड़ नहीं खाते हैं कि हमें बीमारी हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हम पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं, नहाते हैं, वाशरूम भी जाते हैं, हाथ धोते हैं, तो हमें कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। यकीनन वो लोग जो कि पाक चीज़ नहीं खाते हैं, नापाक चीज़ खाते हैं, दूसरे के ऐप को जाहिर करते हैं, तो यकीनन हमें इंशाल्लाह नहीं होगा, हमें पाक दामन है। हमेशा आप लोगों को मैं मौजूद ख्वातीन कहता हूँ पाक दामन की, क्यों इंशाल्लाह आप हमारी माँ हैं और हमारी बहन हैं। तो ओवरऑल बस यही कहना था कि आप लोग डटे रहें, और ख़ास तौर पर हमें किसी का खौफ नहीं है। और इसमें एक चीज़ और मैं कहूँगा कि हमें अपने लोगों में से पहचानना पड़ेगा, वो लोग जो भेदिया जो अंग्रेज़ों का वो मतलब तलवे चाटते थे उस वक्त, इस वक्त भी इस गोदी मीडिया और मोदी का यहाँ से इंफॉर्मेशन देते हैं, उनसे भी सावधान होना, स्पेशली MRM जो कि RSS का मुस्लिम मंच है, उससे भी आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं, हमारे भेद खोलते हैं, यानी हमारी जो सीक्रेट जो भी हम लोग करते हैं उस चीज़ों को बताते हैं। तो बहरहाल जिस तरह से पूरे तरह से अल्लाह हमें महफूज हर तरह से कर रहा, हर अटैक से बचा रहा है, तो अच्छी बात है। यकीनन जिस तरह से दूसरे कम्युनिटी के लोग यहाँ पर स्पेशली सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बहुत खैर मकदम है, और आप लोग लगे रहे हैं। बस मैं यहाँ पर बहुत प्रोटेस्ट को कवर करने आऊँगा, इंशाल्लाह आता रहता हूँ, आऊँगा भी, और यकीनन जब भी किसी तरह का कोई घटना होगा उसमें सबसे पहले मैं आपको फ्रंट पर लाइव दिखाऊंगा। बहरहाल आप लोग दुआओं में याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हमारे साथ मसाइल पेश आता है, लेकिन कोई बात नहीं, किसी तरह का कोई खौफ डर नहीं, क्योंकि आप लोग की दुआ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम भाई के लिए, जोरदार तालियां। हमारे अगले स्पीकर जो हैं देवबंद से